इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना पीड़ितों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार ने कोरोना से मौत पर 50,000 मुआवजा देने का फैसला किया है। कोरोना से अनाथ बच्चों को 25 साल तक 2,500 रुपए महीने की पेंशन दी जाएगी। परिवार में कमाने वाले की मौत पर 2,500 रुपए महीने की पेंशन दी जाएगी। दिल्ली में 72 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड है, तो हर राशन कार्ड धारी को 10 किलो राशन इस महीने मिल रहा है, जो कि मुफ्त होगा। 5 किलो दिल्ली सरकार की तरफ से और 5 किलो केंद्र सरकार की तरफ से। तो ऐसे हर परिवार को जिनके यहाँ कोरोना की वजह से मौत हुई है, उन्हें 50,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा, एक्स ग्रेशियो अमाउंट मुआवजा दिया जाएगा। ऐसे परिवारों में जिनमें कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई, उनमें वो एक्स ग्रेशियो अमाउंट के साथ साथ 2,500 रुपये महीने की पेंशन भी शुरू की जाएगी। या ऐसे भी परिवार हो सकते हैं जिसमें एक माँ बाप में से एक पहले से ही उसकी मौत हो चुकी थी और जो दूसरे थे उनकी अब कोरोना से मौत हो गई, मतलब दोनों में से एक की कम कोरोना से मौत हुई और बच्चे अब अनाथ हो गए हैं। ऐसे में हर बच्चे को 2,500 रुपये महीना दिया जाएगा 25 साल की उम्र तक, और उन बच्चों की शिक्षा फ्री की जाएगी, उन बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलवाई जाएगी। कोरोना को हराने के लिए देश भर में वैक्सीनेशन चल रहा है। अभी तक 18 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। चंडीगढ़ में वैक्सीनेशन को लेकर लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन दूसरी ओर पुणे से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो चिंता पैदा करने वाली हैं, क्योंकि वहां पर वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन नहीं है और इसी वजह से वैक्सीनेशन ठप हो गया है। मुझे हो गए हैं, मतलब 2 to 3 weeks हो गए हैं मुझे मोबाइल वैक्सीनेशन कैंप में। अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का, लोग अवेयर हैं कि वैक्सीनेशन ज़रूरी है और लगवा रहे हैं। काफ़ी तादाद है लोगों की, लगवाने वालों की। अब हमने 18 to 45 भी शुरू कर दिया है, वो भी लग रहे हैं। 45 अबव की भी चल रही है साथ साथ में, तो अच्छा है रिस्पॉन्स। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले इस वक्त की सुर्खियाँ।